हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हो गए। आपके सामने यहाँ पर चार नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। आज हम देखने जा रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, उनकी वर्तमान जो विचार है वो क्या है, आपके प्रति क्या है, रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप के प्रति क्या है, या फिर आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है फिर भी आप जानना चाहते हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है, तो आप देख सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो चार लोगों के लिए देखना चाहते हैं तो चार लोगों के लिए देखिए। हर एक नंबर पे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को रखकर देखिएगा। जनरल रीडिंग है, सभी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती है, तो अगर आप इसको एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, मुझे इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें विश्वास के ऊपर होती हैं। अगर आपको विश्वास है तो आपसे कनेक्ट होंगी, नहीं है तो जब विश्वास हो जाएगा तब कनेक्ट होंगी। कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। और बहुत सारे लोग मेरे नाम से फेक आईडी बना के आपको मैसेज करते हैं कि व्हाट्सअप नंबर शेयर करते हैं मेरा नाम लिख के, तो वो मेरा नंबर नहीं है। मैंने कभी भी अपना नंबर शेयर नहीं किया, ना ही मैं यूट्यूब से कोई पर्सनल रीडिंग लेती हूँ। तो अगर ऐसा कुछ आपको नंबर मिलता है तो फेक है, फ्रॉड है। मैं यूट्यूब से पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ और आगे भी मुझे अभी तक तो इतना है कि हाँ, मैं अभी यूट्यूब से कोई भी पर्सनल रीडिंग नहीं करूँगी, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको मेरा नंबर शेयर करता है, मेरा नंबर कह के, वैसे मेरा नंबर तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर कोई शेयर करता है तो वो फेक है, फ्रॉड है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब मैं हर बार नहीं बता पाऊँगी और बहुत सारे कमेंट होते हैं तो मैं डिलीट भी नहीं कर पाऊँगी, आप भी समझ रहे हैं इस बात को। आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन है, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको पता चले कि उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी कैसे विचार चल रहे हैं आपके प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, उनके जीवन में क्या कुछ हो रहा है। 1 2 3 4 यहाँ पर चार नंबर हैं, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड, नंबर फोर। आपके सामने अब ये चार कार्ड्स आ गए हैं, जो नंबर आपने चुना था या आपने एक से ज़्यादा नंबर चुना था तो आप एक से ज़्यादा रीडिंग को देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम नंबर फर्स्ट, आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। नंबर फर्स्ट आपने जिसके लिए भी चुना है, बहुत क्लियर है इस समय पर आपके पर्सन, उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन क्या उन्हें करना है ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने आप को बहुत सफल देख रहे हैं इस समय पर, अपने काम पर बहुत फोकस है, उन्हें जो करना है वो करना है, इन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया अपनी लाइफ में, अभी ये परेशान भी नहीं है, बस इनका फोकस अपने काम के ऊपर है। अब ये काम उनका करियर से जुड़ा हुआ हो सकता है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो सकता है, इनके लाइफ में इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा, ये चीज़ है, इतना तो मैं आपको बता दूँ, आप समझ जाएंगे क्या बात हो सकती है। इनके लाइफ में ये जो काम इन्होंने सोचा है उससे इनकी लाइफ बदल जाएगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और ये अपने आप में बहुत खुश होंगे, ऐसा ये महसूस करते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये इंसान दिल से भी सोचते हैं, दिमाग से भी सोचते हैं, बहुत क्लियर हैं अपने लाइफ में, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस समय पे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग ये देख रहे हैं, हर तरीके से, आपका इनका रिलेशनशिप हो या इनका करियर हो, ये अपने आप को बहुत ही मजबूत स्थिति में देख रहे हैं और इन्हें अभी किसी बात से कोई झिझक नहीं है, इन्हें मन में कोई डाउट नहीं है, ना ही किसी के सहारे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा, एक जब इंसान अपने ऊपर विश्वास करता है, अपने दम पे कुछ करता है तो एक उत्साह होता है उसके मन में, एक अपने ऊपर एक बहुत फ़ख्र महसूस होता है, तो इस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं आप। ये जो भी पर्सन है, ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल पर्सन हो, मेल पर्सन भी हो सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं मेल पर्सन के लिए कर रही हूँ, लेकिन जो इनकी एनर्जी इस समय पे है नंबर फर्स्ट, वो इसी तरीके से एक फीमेल पर्सन की एनर्जी होती है ना, जो हर एक चीज़ से बहुत कंट्रोल होता है, उसका माइंड हर जगह चल रहा होता है और हर चीज़ को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपके पर्सन भी हैं इस समय पर, उनका दिमाग तो बहुत चल रहा है लेकिन हर एक चीज़ उनके कंट्रोल में, चाहे उनका रिलेशनशिप हो, चाहे उनका करियर हो या घर परिवार से जुड़ी बातें हों, तो बहुत कंट्रोल में रख रहे हैं अपने आप को इस समय, मतलब अपने जीवन को। इतना समझ लीजिएगा कि अगर हम कार ड्राइव करते हैं तो जो स्टेयरिंग होती है ना, वो इनके हाथ में है, अभी इनको को ड्राइव करनी है अपनी कार, ये ड्राइवर की सीट पे बैठे हुए हैं, पीछे नहीं बैठे ना, साइड में बैठे हैं, ये आप खुद कार को ड्राइव करना चाहते हैं, तो अभी इस पोजीशन में है ये, अपने आप को देख रहे हैं। नंबर फर्स्ट आपने जिसके लिए भी चुना है, ये इंसान इस समय पर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, ठीक है।
आइए देखते हैं नंबर सेकेंड हमें क्या पता चलता है, जिसके लिए भी आपने चुना है उनकी करंट सिचुएशन क्या है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, आने वाले वक्त में उनके लाइफ में और क्या कुछ हो सकता है, अपने लिए वो क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वर्तमान भावनाएं क्या हैं। तो ये है आज का टॉपिक, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर सेकेंड। इस समय पर आपकी पर्सन बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं, अपने अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी जैसा वो समझ रहे हैं। लोग इनसे पूछने आते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। हो सकता है ये किसी ऐसी जॉब में हैं, टीचर हो सकते हैं, या फिर टीचर नहीं भी हैं फिर भी लोगों को पढ़ाना इनको पसंद होगा, लोगों को अच्छे से गाइड करना इनको पसंद होगा। अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ ऐसा अनुभव किया है जिससे लोग इनका अनुभव चाहते हैं कि वो शेयर करें, जिससे लोगों को पता चल सके उनको लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इनके पास हर एक चीज़ का समाधान है, समस्या का समाधान ये दे सकते हैं। अपने आप को इस काबिल इन्होंने बनाया है। इस समय पे ये थोड़ा सा अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने, लोग इनकी बातों को मान रहे हैं, लोग इनसे मदद लेते हैं जब भी इनको ज़रूरत होती है लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से वह भी इनके लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बैलेंस में है, अपनी लाइफ का कंट्रोल इनके हाथ में है, जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं वैसा कर रहे हैं और वैसा हो भी रहा है। इनके पास हर एक बात हर एक समस्या का समाधान है ऐसा इनको लगता है और ऐसा है भी, ठीक है। नंबर सेकंड आपने जिसके लिए भी चुना है, इस समय पे अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो बहुत सारी बातें ये क्लियर नहीं करते, क्योंकि इनको ये पता है ना कि जो मुझे करना है वो तो करना ही है और वही होना है। तो हो सकता है, देखिए बहुत सारे लोग का कमेंट आता है कि वो मेरे पर्सन ने मुझे ब्लॉक करके रखा है, तो अगर नंबर सेकंड वाले पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो ये जल्दी आपको अनब्लॉक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ सोच के आपको ब्लॉक किया है और जब तक वो काम हो नहीं जाएगा वो अनब्लॉक आपको नहीं करेंगे। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जब कुछ भी मन में सोच लेते हैं तो उस काम को वो करते हैं, फिर सामने वाला चाहे जितना रोए चाहे जितना परेशान हो जाए ये अपनी बात से टस के मस नहीं होने वाले, इस टाइप की पर्सन है, ठीक है। आप समझ ही रहे होंगे, अगर आपकी पर्सन है तो आपको पता ही है वो कैसे इंसान है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बहुत बुरे इंसान है, लेकिन हाँ बहुत समझदार इंसान है नंबर सेकंड जो भी व्यक्ति है, बहुत ज्ञानी पर्सन है। आइए देखते हैं नंबर तीन हमें क्या पता चलता है कि आपने जिसके लिए चुना है उनकी प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या विचार चलते हैं, ठीक है। इस समय पे इनके लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, टावर मूवमेंट दिख रहा है। जब भी इनको लगता है ना कि इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है तभी कुछ ऐसा हो जाता है या हो गया है इस समय पर कि ये बिल्कुल परेशान हो गए, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। एक तरीके समझिए कि इंसान ने एक किले का निर्माण किया है, आप देख सकते हैं, और अचानक से इस किले में जब सब कुछ कम्प्लीट हो गया है, सब कुछ मतलब बस मंजिल तक पहुँच गए हैं कि अब इसका उद्घाटन होना बाकी है, समझ लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, और अचानक से ही वो टावर में आग लग गई, ठीक है, आपने देख रहे होंगे, टावर मोमेंट इसको कहते हैं। फिर से इंसान नीचे पे आ गया, फिर से उसको स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। उनको ऐसा लग रहा है कि समाप्त हो गया, जब भी चीज़ें ऐसी होती हैं तो लोगों को लगता है ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया, जब वो थोड़ा सा होश में आता अपने आप को संभालता समझ में आता है कि नहीं अभी सब कुछ नहीं समाप्त हुआ है, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है तो उसको मैं कवर कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं, वर्तमान स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं कहेंगे बहुत बुरी नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसा जरूर हुआ है इनके लाइफ में अभी जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है कि आपसे बातें नहीं हो रही हैं, आपको ब्लॉक करके रखा है, जो भी है झगड़ा हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है। और ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, इनके करियर में इन्होंने इनका कोई काम होगा जिसमें इनको काफ़ी नुकसान हो गया है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये बहुत परेशान है, उनको लग रहा है कि शायद इस परेशानी से ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं बचा, लेकिन कुछ समय बाद ही समझेंगे कि नहीं चीज़ें ठीक हैं, सब कुछ नहीं समाप्त हुआ है, लेकिन प्रेजेंट टाइम तो अभी ये बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। नंबर थ्री आइए देखते हैं नंबर चार हमें क्या पता चलता है, जिसके लिए भी आपने चुना है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन क्या है, उनकी वर्तमान करंट फीलिंग क्या है, आपके लिए क्या है, खुद उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें हम आज देख रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं हमें क्या पता चलता है। नंबर चार आपने जिसके लिए भी चुना है ना, प्रेजेंट टाइम में ये इनका जो पूरा फोकस अपने रिलेशनशिप के ऊपर है, मतलब अपने जीवन में इस खुशी को वो महसूस करना चाहते हैं जिसके लिए काफ़ी समय से परेशान रहे हैं, अपना जीवन मतलब अपने पार्टनर के को समर्पित करना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि बाकी जितना जीवन इनके बचा है इनकी लाइफ में जितना भी वक्त है
40 साल, 50 साल, 60 साल, जितनी भी एज हो आपके पर्सन की, 90 साल, जितना भी, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि वो सारा 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 समय अपने पर्सन को दें। हो सकता है इससे पहले इन्होंने कभी भी आपके ऊपर इतना समय ना दिया हो, इस वजह से इनको लगता है कि अभी वो समय है कि अब सब कुछ करके देख लिया, सबके लिए सब कुछ समय दिया, सब कुछ किया, लेकिन अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन को वो भूल गए, ठीक है। तो अभी इनकी करंट सिचुएशन है कि आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, वो खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब समझ में आया है कि इनके लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ना, वो तो आप ही हैं। अगर आप अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं या लाइफ पार्टनर के लिए भी देख रहे हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिससे आप जानते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं और आप भी जान वो भी जानते हैं कि आप उनको पसंद करते हैं, आप उनकी करंट सिचुएशन जानना चाहते हैं, तो करंट में वो सिचुएशन लाइफ में चाहे जितनी भी अच्छी बुरी चल रही हो, लेकिन उनका फोकस जो है ना वो अपने रिलेशनशिप पे है, अपने लव रिलेशनशिप पे है। तो अभी वो चाहते हैं बस अपने जीवन में इस रिश्ते को मजबूती दें, समय दें और इतना मजबूत बनाएं कि जीवन में चाहे जितनी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, वो परेशान ना हो। क्योंकि रिलेशनशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर वो सही है तो सब सही है, इंसान इसी के सहारे ज़िंदा रहता है कि हाँ चलो कुछ नहीं है लेकिन हमारा जो पार्टनर है ना वो बहुत अच्छा है। तो बस वो अब ये चीज़ जान गए हैं, समझ गए हैं, तो अभी सारा फोकस उनका बस अपने रिलेशनशिप पे है। उम्मीद करते हैं कि आपसे एनर्जी ज़रूर कनेक्ट हुई, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये तो आपने करंट सिचुएशन जान ली है अपने पर्सन की, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं जो अपने पर्सन को, मतलब क्या मतलब, ऐसे इंसान के लिए आप देख रहे हैं जो आपको पता है कि आपसे दूर हो चुका है, उनके लाइफ में कोई आ चुका है। तो अगर ऐसे इंसान के लिए आप देख रहे हैं तो समझिएगा ये फीलिंग आपके लिए नहीं है, ये उनके लाइफ पार्टनर के लिए है, ठीक है। अगर उनके लाइफ में कोई आ गया है तो, और अगर नहीं आया तो फिर बिल्कुल आपके लिए ही है। ये नहीं कि मतलब ब्रेकअप हो गया और आप इस वीडियो को सुन रहे हैं फिर आप कहें मैम ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये जो फीलिंग है, ये जो इनके विचार चल रहे हैं, वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए है, अपने लव पार्टनर के लिए है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।